दे रहे हैं। तो बीच में अगर अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि अगर जो जीव आत्मा है अगर वो माया के द्वारा कवर्ड है और वो इग्नोरेंस में गिर जाता है, तो ये तो वो कृष्ण को नहीं देख पाता, क्योंकि हमने 25वें श्लोक में पढ़ा कि व्यक्ति माया के द्वारा बंधा हुआ होने के कारण वो कृष्ण को देख नहीं पाता, वो भगवान के सामने होते हुए भी भगवान को देख नहीं पाता। क्यों? क्योंकि कृष्ण 25वें श्लोक अगर आप देखोगे तो क्या बोल रहे हैं, आई एम कवर्ड, भगवान बोल रहे हैं मैं कवर्ड हूं अपनी योग माया द्वारा। तो अभी सपोज सपोज मैं अगर अपने सामने कपड़ा रख लूं और अपने को कवर कर लूं योग माया के द्वारा, तो आप मुझे नहीं देख पाओगे, बट असलियत क्या होगी कि मैं भी आपको नहीं देख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को कवर कर दिया है योग माया द्वारा। तो भगवत गीता में जो आचार्य गण हैं, जो भगवान के बहुत महान संत हैं, उन्होंने श्लोक के बीच की जो बात है उसको प्रकट किया है। तो पिछले श्लोक में कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं अपनी योग माया द्वारा कवर्ड हूं, तो जीव मुझे देख नहीं पाता जो बद्ध जीव है, जो प्योर नहीं हुआ अभी तक। तो फिर अर्जुन बीच में क्वेश्चन पूछते हैं जो भगवद गीता में रिकॉर्डेड नहीं, बट आचार्य गण बोलते हैं कि अर्जुन पूछ रहे कि अच्छा आपको लोग नहीं देख पाते क्योंकि आप अपने योग माया द्वारा कवर्ड हो, तो आप भी नहीं देख पाते क्या, क्योंकि आपकी योग माया ने तो कवर किया हुआ है। समझे ना ये पॉइंट? तो जैसे अगर हम बोलते हैं कि हम बादल के आने के कारण हम सूरज को नहीं देख पाते, तो क्या सूरज भी हमें नहीं देख पाता क्योंकि हमारे आगे बादल है? तो ये उस क्वेश्चन का आंसर कृष्ण दे रहे हैं कि मैं क्योंकि भगवान हूं और मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, मैं भूत भविष्य और वर्तमान तीनों जानता हूं, मैं सब कुछ देख सकता हूं, मुझे कोई नहीं देख सकता, मुझे जानना मुश्किल है। तो ये उसका उत्तर है 26वें श्लोक का, जहां से नया सेक्शन शुरू होता है। तो इसके आप पर्पट में आए हैं बीच में एक बारी जरा। बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है इसमें, यहाँ पर तो मेरे को ना अभी स्क्रीन के आगे मेरा फोन रखना पड़ रहा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है प्रभु, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर सकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसे कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, ना ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कल्मश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। अभी ये डिफरेंस हमारे में और भगवान में ये तात्पर्य समझा रहा है कि हम में और भगवान में भेद क्या है, कि हम अपनी पिछले जीवनों के बारे में नहीं बता सकते। हमारे लिए ये भी मुश्किल है कि एग्जैक्टली हम 4 दिन पहले, 5 दिन पहले इस समय पे क्या कर रहे थे। ट्यूसडे को मैं आपसे पूछूंगा आप क्या कर रहे थे, तो आप बता दोगे जी मैं क्लास में अटेंड कर रहा था। बट अगर मैं किसी अचानक का दिन आपसे पूछूं, ऐसे आम दिन का पूछूं कि आप इस दिन क्या कर रहे थे, तो आपके लिए बताना बड़ा कठिन होगा कि आप कर क्या रहे थे उस दिन। तो पिछले जीवन तो भूल ही जाओ, और वर्तमान में तो हम जो चल रहा है उसमें हम हमारे मन डगमगाया रहता है, और फ्यूचर का, भविष्य की हम भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते कि मेरी अभी 2 साल के बाद, 1 साल के बाद कितनी सेविंग होगी, मैं कितना प्रॉपर्टी बना लूंगा, मेरे बच्चे की शादी में क्या क्या तकलीफें आएंगी क्या नहीं आएंगी, मैं अपना काम कितना बढ़ा लूंगा, मेरा बैंक बैलेंस कितना होगा, हम कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। पर भगवान इस 26वें श्लोक में बहुत बोल्ड घोषणा कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से हमें आगे। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वह भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते हैं। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्योदय विवस्वान को जो उपदेश दिया था वह उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वह सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भगवान जानते कैसे हैं सब कुछ, भगवान को क्या पता है, कैसे पता है कि हम क्या एक्ट करने वाले हैं फ्यूचर में।
क्योंकि उनको हमारे मनोभाव के बारे में पता है, क्योंकि वो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में स्थित है। आप एक आगे पढ़ो, फिर मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते, भले ही वे निर्विशेष ब्रह्मा को क्यों ना समझ लेते हों। निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है, वह सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा सारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वह अपने अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। जैसा कि इस अध्याय के तृतीय श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्त्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है, भले ही कोई निराकार ब्रह्मा या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावना मृत के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें सारे। अब जैसे मैं आपको क्लाउड का, बादल का एग्जाम्पल दे रहा था, तो ये थोड़ी मूर्खता होगी ये बोलना कि जब जब बादल हमारे दृष्टि के सामने आ जाता है तो हम बोलते हैं अरे बादल ने सूरज को ढक लिया, अरे बादल ने सूरज को ढक लिया। बादल ने सूरज को नहीं ढका है, बादल ने हमें ढका है, बादल ने हमारी दृष्टि को ढक लिया है। सूरज जो बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, बादल जैसा छोटा सा चीज उसको ढक नहीं सकता। बादल तो क्या होता है कि एक छोटे एरिया को कवर करता है। आपके यहाँ पे अगर बादल है तो अगले शहर में बादल होता भी नहीं है, बट सूर्य तो पूरी की पूरी सृष्टि को रोशनी दे रहा है। उसी प्रकार जो भगवान की माया शक्ति है वो हमें ढकती है, भगवान को नहीं ढक सकती, भगवान उससे बहुत ऊपर है। अब इसमें ये प्रश्न आता है कि यहाँ पे जब कृष्ण भगवद गीता में इस श्लोक में बोल रहे हैं कि मुझे पास्ट भी पता है, मुझे प्रेजेंट भी पता है, मुझे फ्यूचर भी पता है, तो व्यक्ति क्या प्रश्न पूछ सकता है कि अच्छा कृष्ण तुम्हें पास्ट भी पता है, प्रेजेंट भी पता है, वो तो ठीक है, बट अगर तुम्हें फ्यूचर भी पता है और तुम्हें पता है कि मैं गड्ढे में गिरने वाला हूं तो तुम मुझे बचाते क्यों नहीं? ये बहुत 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 जेन्युइन क्वेश्चन है ना, कि एक जगह पे कृष्ण तुम बोल रहे हो कि तुम बहुत ही कृपालु हो, तुम बहुत ही प्रेम करते हो सब जीवात्माओं से, सारे जीवात्मा तुम्हारे अंश हैं और तुम्हारे को बहुत दर्द होता है सब जीवात्माओं को दुखी देख के, और अगर तुम्हें पता है कि मैं कल गड्ढे में गिरने वाला हूं, या अगर तुम्हें पता है कि मैं कुछ गलती ऐसी करूंगा जिससे मैं तुम्हारे से और दूर हो जाऊंगा, तो तुम मुझे रोकते क्यों नहीं? बहुत बहुत जेनुअन और बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। आया आप में से किसी के मन में क्वेश्चन कभी, या अभी ये पढ़ने के बाद कि भगवान को फ्यूचर भी काफी पता है, किसी के मन में आया ये प्रश्न? बिल्कुल आया। इसको समझा कैसे जाए अभी ये? किसी भी जीवात्मा की, किसी भी लिविंग एंटिटी की, हमारी हमारी कभी भी जो स्वतंत्रता है उसमें अपनी टांग नहीं अड़ाते भगवान, कभी भी हमारी स्वतंत्रता में टांग नहीं अड़ाते। उसका मतलब क्या हुआ? भगवान कभी भी हमारे को, हमारे एक्शंस को फोर्सफुली चेंज करने का प्रयास नहीं करते, कभी भी नहीं करते भगवान हमारे एक्शंस को फोर्सफुली चेंज करने का प्रयास। रादर वो क्या करते हैं, वो अपनी शिक्षाओं द्वारा, अपने भक्तों द्वारा हमारे को इनकरेज करते हैं, हमारे को इंस्पिरेशन देते हैं कि हम करेक्ट डायरेक्शन में चलें, बट वो कभी भी हमारे को फोर्स नहीं करते। और हमने इस पे पहले भी बात करी है, क्योंकि फोर्स करते ही परिभाषा जो है वो प्यार की बदल जाएगी। आप मेरे सर पे बंदूक रख के अगर बोलते हो बोल आई लव यू तो मैं बोलूंगा, बट वो प्यार नहीं है, वो प्यार की परिभाषा नहीं है। इसलिए भगवान उन माता पिता की तरह हैं, जैसे कई बार आपने देखा हो, ये प्रभुपाद जी भी उदाहरण देते थे, एक बच्चा है
वो जिद कर रहा है, वो टेबल फैन होता है ना, माता पिता हर समय बच्चों को बचाते रहते हैं कि ऐसे टेबल फैन, कपड़े प्रेस करने वाली जो आयरन बॉक्स होता है, जो स्त्री होती है उससे उससे बच के रहे बच्चा, और बेड के हर जगह पे कोने कोने पे वो लगा देते हैं, अपना सिक्योरिटी प्रोटेक्शन लगा देते हैं ताकि, बट सपोज एक पंखे का उदाहरण लेते हैं, एक पंखा चल रहा है और जो गोल पंखा चल रहा है और बच्चे को उसमें हाथ डालना है क्योंकि बच्चे को बड़ा मजा आ रहा है किस तरह से ब्लेड घूम रहे हैं, और माता पिता को पता है कि अरे तेरी उंगली कट जाएगी भाई, इसमें हाथ नहीं डालना है। तो अभी अभी ये तो कॉमन सेंस हुआ ना कि भगवान परमात्मा रूप में हमारे भीतर हैं, वो देख रहे हैं हमारी हरकतें क्या हैं, वो देख रहे हैं हमारी आदतें क्या हैं, वो देख रहे हैं हमारी मानसिकता क्या है। तो भगवान को तो हमारा फ्यूचर पता ही है कि तू हरकतें ऐसे कर रहा है कि तू गड्ढे में गिरेगा। तो माता पिता बच्चे को समझाते हैं, भगवान भी अपने शिक्षाओं द्वारा हमेशा समझाते हैं, बट नहीं, हमें तो पंखे में उंगली डालनी ही है। तो अपने भक्तों के लिए स्पेशली भगवान क्या करते हैं, भगवान उन माता पिता की तरह हैं जो पंखा तो चल रहा है बट पंखे के पीछे से प्लग को ऑफ कर देते हैं। प्लग को जब ऑफ कर देते हो तो पंखा तो फिर भी घूम रहा है बट उसकी गति बहुत कम हो चुकी है, बट फिर भी घूम रहा है पंखा, धीरे 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 घूम रहा है, और फिर वो बच्चे को छोड़ देते हैं कि जा तू हाथ डाल ले अंदर। और जब बच्चा अंदर उंगली डालता है तो उसकी उंगली कटती नहीं है बट उसको बहुत दर्द होता है, और वो अगली बारी वो गलती नहीं करता। भगवान का भी स्नेह, भगवान का जो स्नेह है वो अपने भक्तों के साथ ऐसा ही है कि कई बारी जिद करके भी हम भगवान से दूर जाने वाली हरकतें करते हैं, और भगवान जिनको फ्यूचर पता है कि ये तेरा नुकसान ही करेगा, तू अपने ही मुंह के बल गिरेगा और अपने को चोट पहुंचाएगा, बट भगवान हमारे को क्योंकि फोर्स नहीं करना चाहते, वो क्या करते हैं, थोड़ा सा टोकन दुख का दे के हमारे को समझा देते हैं। और जो जो भी व्यक्ति मन में थोड़ा सा भी सिंसियर होता है, इसकी थोड़ी सी भी श्रद्धा जो है उसमें शुद्धता प्योरिटी होती है, और वो जब भगवान को भी चाहता है बट वो ऐसी गलतियां भी करता है, भगवान उसको अंदर से अनुभूति देते हैं, भगवान उसको अंदर से स्मृति देते हैं, क्योंकि परमात्मा रूप में भगवान अंदर बैठे हैं कि ये तूने गलती कर दी, यहाँ पे तूने मुझे जान छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। कई बार कई भक्त लोग बोलते हैं कि जब भी हम भगवान से सेपरेट होके एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, तो अगर तो भगवान बड़े कृपालु हैं, अगर तो भगवान बहुत मर्सीफुल हैं, तो ही मेक श्योर कि हमारी जो एंजॉयमेंट है उसमें, जैसे ना उसमें 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 वो, आप अगर आप खीर खा रहे हो और आप खीर जस्ट खाने ही लगे हो और ऊपर से आगे कोई मिट्टी डाल दे, तो खीर का स्वाद क्या हो गया, मिट्टी पाएगी जी, है ना, उसमें मिट्टी पड़ गई, अभी खीर का स्वाद चला गया। तो भगवान अपने भक्तों पे कृपा करके कई बार उनके जीवन में ऐसा करते हैं कि जब भगवान को से विमुख होके वो इंजॉय करने का प्रयास करते हैं, भगवान को पता है कि तू उस डाली पे बैठा है और उसी डाली को काट रहा है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति डाली पे बैठा पेड़ की और डाली को काट रहा है, और वो डाली के दूसरी तरफ बैठा है और पेड़ की तरफ में वो डाली को काट रहा है, तो नीचे से एक व्यक्ति गुजरता है और एक व्यक्ति नीचे से गुजर के बोलता है, अबे पागल ये क्या कर रहा है तू, डाली काट के जमीन पे पटकेगा? बोलता है, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। वो डाली काटता रहता है, डाली काटता रहता है, और फिर वो पटाक के नीचे गिरता है। जब व्यक्ति नीचे गिरता है वो क्या कंक्लूड करता है, यार लगता है ये एस्ट्रोलॉजर था जो बंदा नीचे से निकल के गया, क्यों, क्योंकि इसने पहले प्रेडिक्ट कर दिया कि मैं पटक के नीचे गिरने वाला हूँ। वो एस्ट्रोलॉजर नहीं था, उसमें अकल थी, उसमें सिर्फ बुद्धि थी, उसको दिख रहा था कि हमारी हरकतें हमारे को किस जगह पे लेके जाएंगी। अब भगवान से बुद्धिमान कौन है, और वो तो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में स्थापित भी है, इसलिए भगवान को हमारा फ्यूचर पता है कि जो हम अभी हरकतें कर रहे हैं उसका फ्यूचर रिजल्ट क्या आने वाला है। कोई व्यक्ति चोरी करता है, कोई बुरे काम करता है, और वो अगर गवर्नमेंट के लॉ से बच जाता है और बड़ी खुशी मनाता है, और उसको ये लगता है कि अरे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसी ने नहीं देखा जी, बच गए, ये उसकी मूर्खता है, क्योंकि जो प्रकृति के नियम है उससे बचना असंभव है, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट के सिटी कैमरा, जो सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जो कहीं पे तो लगे हैं और कहीं पे नहीं लगे,
वो कैमरा ही हमारे अंदर है, परमात्मा के रूप में अंदर है, आप कहाँ छुपोगे? हाँ? आप अकेले भी एक रूम में जाके कोई गलती करोगे तो भी आप पकड़े जाओगे। जब आपको भी होश नहीं होता और सपने में कुछ करोगे, वो भी परमात्मा को पता है। जब हमें ही होश नहीं होता तब भी परमात्मा जाग रहे होते हैं, तब भी उनको पता है कि हमारे भीतर चल क्या रहा है। तो परमात्मा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको चीट नहीं किया जा सकता। पत्नी पति को चीट कर सकते हैं, पति पत्नी को चीट कर सकता है, अच्छे माँ बाप को कर सकते हैं, हम अपने बॉस को कर सकते हैं, हम मंदिर में भक्तों को चीट कर सकते हैं, शिष्य गुरु को भी चीट कर सकता है। परमात्मा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको चीट नहीं किया जा सकता। इसलिए जब कर्मों की गति चलती है और जब कर्मों के फल मिलते हैं तो उसमें कोई बचता नहीं है, कोई बचता नहीं है। जैसा जैसा जिसका काम वैसा वैसा उसको परिणाम मिलता ही मिलता है, उससे बचना असंभव है। क्यों? क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में हृदय में स्थापित है और वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ देख सकते हैं, बट अपने भक्तों के लिए स्पेशली वो कान चाहिए हूँ, बीच में हैंग हो गया था। अभी आवाज आ रही है। हाँ आप वो बीच में सारा मिस कर दिया, हमें सुनाई नहीं दिया कुछ। अभी ठीक है, फिर हैंग हो गया। अभी आ रही है आवाज मेरी। हाँ ब्रो, अभी आ रही है, बीच में मिस हो गया पिछले 1 मिनट का। वीडियो ऑफ कर दो मेरे ख्याल से, आप एक बार या तो अपनी। नहीं तो अभी मेरी आवाज क्लियर है? हाँ ब्रो, आवाज क्लियर है, बीच बीच में हैंग हो रहा है। ठीक है, आई थिंक अभी नहीं होगा, कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी का इशू चल रहा था, आई थिंक सॉर्ट आउट हो गया अभी वो। तो मैं बेसिकली श्लोक को कंक्लूड करके ये बता रहा था कि भगवान परमात्मा रूप में जो हमारे हृदय में स्थापित हैं, उनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों पता होते हुए भी वो अपने भक्तों के लिए स्पेशली काइंड है, स्पेशली उनकी कृपा है अपने भक्तों के प्रति, जहां पे वो धीमा गति में पंखे में जैसे बच्चे को हाथ डालने देते हैं माँ बाप ताकि वो अपना लेसन सीख ले, तो मौका देते हैं और वो लेसन सीख के दोबारा वो गलती नहीं करते। अगले श्लोक में आ जाओ, 27वें नंबर श्लोक में। प्रभु वो सॉरी, 27वां श्लोक का मेरे को हिंदी वाला नहीं मिला, उसमें कुछ इशू था। That's okay, फर्क नहीं पड़ता। इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद मोहे न भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्ग यान्ति परन्तप। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं इच्छा और द्वेष के कारण, इच्छा और द्वेष के कारण जीवात्मा ये इल्यूजन में, ये भ्रम में, ये मेरी माया में फंसता है। एक जीवात्मा किस तरह फंसता है मेरी माया में? इच्छा और द्वेष के बीच में फंस के। इच्छा और द्वेष के बीच में पूरी तरह से फंस के। तो ये जो श्लोक है ये प्रभुपाद जी ने बहुत जगह इस्तेमाल किया है, जहां पे प्रभुपाद जी से ये प्रश्न पूछा जाता है कि एक जीवात्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से गिरा ही क्यों, एक जीवात्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से गिरा ही क्यों जब जब वो भगवान के साथ था और वो पूरी तरह से प्योर है, तो वो इस भौतिक जगत में क्या कारणों से आया? ये श्लोक प्रभुपाद काफी यूज कर रहे हैं समझाने के लिए कि हर लिविंग एंटिटी, हम सबके पास, जब भी हम जीवात्मा की बात करते हैं, हम किसी दूसरे व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम हर जीवात्मा के पास इच्छा और द्वेष, हमारी जो डिजायर और हेट का जो भावना है, जो हमारे भीतर इनबिल्ट है एक कंडीशन बद्ध जीव के अंदर, उसका मिस यूज करके हम बहुत बार गलती करते हैं और हम फंस जाते हैं इसमें। तो इसमें मैं आखिरी के कुछ पार्ट पढ़ना चाहता हूँ।
शुरू से पढ़ते हैं, छोटा पर पढ़े। वैसे मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, फिर उसको मैं समझा दूंगा। द रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ द लिविंग एंटिटी इज दैट ऑफ सबॉर्डिनेशन टू द लॉर्ड हु इज प्योर नॉलेज। व्हेन वन इज डिल्यूडेड इनटू सेपरेशन फ्रॉम दिस प्योर नॉलेज ही बिकम्स कंट्रोल्ड बाय इल्यूजरी एनर्जी एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। इल्यूजरी एनर्जी इज मैनिफेस्टेड इन डुअलिटी ऑफ डिजायर एंड हेट। Due to desire and hate, ignorant person wants to become one with the Supreme Lord and envies Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Basically, यहाँ पे यही बताया कि जब जीव का जो स्वरूप है, जीवेर स्वरूप होए नित्यर कृष्णदास। एक जीव का जो स्वरूप है, उसका स्वरूप ही ऐसा है कि वो भगवान का नित्य दास है। और जब इस स्वरूप के विमुख होकर काम करने लगता है, इस स्वरूप के विपरीत जाके कोई जीव काम करने लगता है, और किन कारणों से? इच्छा और द्वेष। उसकी जब डिजायर ऐसी रहती है, अभी जैसे किसी के बच्चा हो, अभी माता पिता बहुत किसी के माता पिता बहुत धनवान है और उनके बच्चे की अभी इच्छा क्या है कि मुझे माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए, मुझे तो अपने ही दोस्तों के साथ घूमना फिरना। मेरे माता पिता ऐसे ऐसे हैं, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चों के साथ ही घूमना फिरना है, उनके साथ ऐश करनी है। और वो बच्चा माता पिता को रिजेक्ट कर देता है और अपने ही दोस्तों के साथ कुछ काम वाम करके लगता है और गलत कामों में फंस जाता है और फिर दुख भोगता है। किन कारणों से? उसकी इच्छा का उसने गलत इस्तेमाल किया। और जो उसका द्वेष था कि मैं अपने पिताजी का क्यों लूं, मैं अपना पैसा कमाऊंगा, मैं अपनी आइडेंटिटी बनाऊंगा। हर व्यक्ति को अपनी आइडेंटिटी बनानी है कि कोई बनाने में कोई गलती नहीं है, बनाए अपनी आइडेंटिटी। हर जीव हर लिविंग एंटिटी को अपनी आइडेंटिटी बनाने का पूरा अधिकार है। बट उसकी जो आइडेंटिटी में उसको बेनिफिट मिल रहे हैं अपने पिताजी से कनेक्ट होके, उसको जबरदस्ती खोना मूर्खता है। अभी हम अंबानी का एग्जांपल देखें तो ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी अलग से चला जी बाप के पैसों को छोड़ के फिर से बिजनेस पैसा कमाने और बहुत बड़ा आदमी बन के अपने बापा को ठेंगा दिखा रहा, देखो जो तुमसे ज्यादा अमीर हो गया। नहीं, जहां उसके पिताजी ने छोड़ा उसी का इस्तेमाल करके वो और आगे बढ़ा। तो उसने अपने पिताजी की तरफ द्वेष की भावना नहीं दिखाई, उसने अपने पिताजी की तरफ द्वेष की भावना नहीं दिखाई। जहां पे उन्होंने छोड़ा वहां से उसने और आगे तरक्की करी। तो जब हम भगवान के साथ यही एटीट्यूड रखते हैं, जब यही स्वभाव हम भगवान के साथ रखते हैं, तो ये स्वभाव हमारा कारण बन जाता है इस भौतिक जगत में फंसने का और दुख भोगने का। आगे इसमें है, प्योर डिवोटीज, जो शुद्ध भक्त हैं, हु आर नॉट डिल्यूडेड और कंटामिनेटेड बाय डिजायर एंड हेट, कैन अंडरस्टैंड दैट श्री कृष्ण अपीयर्स बाय हिज इंटरनल पोटेंसी। But those who are deluded by duality and nishas think that supreme personality of Godhead is created by material energy. This is their misfortune. Such deluded persons symptomatically dwell in dualities of dishonor and honor, misery, happiness, man, woman, good, bad, pleasure, pain, etc. So, आगे basically ये explain कर रहे हैं कि अपने भगवान के साथ जब हम द्वेष की भावना दिखाते हैं, तो हम इस जगत में कैसे फंसते हैं? इस जगत में हम फंस जाते हैं, इस जगत के सुख दुख में, मान अपमान में, यश अपयश में, पुरुष स्त्री में, अच्छे बुरे में, दर्द में, और फिर क्या बोलने लगते हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा घर है, मैं इस घर का मालिक हूं। मैं ये जो डुअलिटी, ये डुअलिटी प्लीज समझना बहुत जरूरी है। भगवत गीता में इसमें बहुत ज्यादा बारी स्ट्रेस किया, ये डुअलिटी है क्या? ये डुअलिटी है अच्छा बुरा, सर्दी गर्मी, किसी को यश मिल गया, किसी को अपयश मिल गया। तो व्यक्ति बोलता है कि यार अच्छे में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा तो अच्छी बात है, अच्छे में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब व्यक्ति के साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होता है ना, तो उसका इच्छा ही नहीं करती कि मैं भगवान की तरफ अपना मुंह मोड़ू। जैसे वो बोला गया ना, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरण करे तो दुख काय को होए। तो जब दुख आता है तो भगवान की तरफ हम स्वाभाविक भागते हैं, और जब सुख आता है तो हम भगवान को छोड़ देते हैं, क्योंकि अब तो सब ठीक चल रहा है, अब भगवान की क्या जरूरत है, वो तो सिर्फ हमारे प्रॉब्लम मिटाने की एक मशीन है। तो अब प्रॉब्लम ही नहीं है तो उस मशीन का करूं क्या मैं? वो पड़ी है कहीं कोने पे, जब प्रॉब्लम आएगी उनको वापस से किताब को खोल लूंगा, गीता को, वापस से मंदिर में चला जाऊंगा, धूप अगरबत्ती कर दूंगा, दर्शन करने मंदिरों में चला जाऊंगा, चलिया रख लूंगा, हनुमान जी का मंदिर चढ़ाऊंगा, कृष्ण को चढ़ाऊंगा, ये व्रत रख लूंगा। अभी तो प्रॉब्लम है ही नहीं मेरे जीवन में, तो अभी वो मशीन को साइड रखो, मेरे दुख मिटाने वाली मशीन को साइड रखो, उसमें मिट्टी चढ़ रही है चढ़ने दो। नहीं,
जब सुख में भी भगवान का सिमरण हम करेंगे तो दुख आने के जो जो जब दुख आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि हम सुख में और दुख में सम रहेंगे, सेम रहेंगे, और दोनों समय में भगवान को छोड़ेंगे नहीं, तो दुख की अनुभूति बहुत कम हो जाती है उस व्यक्ति की। अगला श्लोक, ये सेक्शन जल्दी खत्म हो जाएंगे। ओ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। येषां त्वान्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहने। प्रभु कांच है जो वो आपकी आवाज़ नहीं आ रही, वीडियो तो आ रही है। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? अरे हाँ जी प्रभु, अभी आ रही है, फिर बड़ा चलेगी। प्रॉब्लम चल रहा है, वापस से लाइट जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। ये तो मुझे उसकी इंडिया की याद आ गई, गर्मियों के महीने में कैसा होता इंडिया में गर्मियां चलती है ना अभी। था। हाँ, मैं मेलबर्न में बैठा हूँ, मैं तो ठंड में हीटर चला के। इस सभा में कैन यू हेयर मी? हाँ, यस प्रभु, आवाज आ रही है। भगवान चलते रहना अभी थोड़ी देर। हाँ, तो ये 28वें श्लोक में, येषां त्वान्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़व्रत। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है होता है, वह मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वो संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। ये श्लोक बहुत कुछ इंसाइट्स देके जा रहा है हमारे को, कि हम जब पिछला श्लोक पढ़े, 27वां नंबर श्लोक पढ़े, जिसमें कृष्ण बोल रहे हैं कि सारे लिविंग एंटिटी, भगवान ने शब्द क्या यूज किया, सभी जीवात्मा सर्वभूताने सम्मोहम, सभी जीवात्मा सम्मोहित है, मोह में फंसे हुए हैं, इस प्रकृति के मोह में फंसे हुए हैं। भगवान ने शब्द क्यों यूज किया, सर्वभूताने सम्मोहम, 27वें नंबर श्लोक में सारे जीवात्मा इस डिल्यूजन में फंसे हुए हैं। बीच में अर्जुन कृष्ण से क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर सारे फंसे हुए हैं तो कोई उपाय है क्या इससे बाहर निकलने का, इससे बाहर निकल पाएंगे कि नहीं। उसके उत्तर में कृष्ण ये श्लोक का उसके उत्तर में कृष्ण ये श्लोक बोल रहे हैं कि हाँ, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वह मोह के द्वंद से मुक्त हो पाते हैं और वो संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान ने लक्षण दिए हैं, क्या कौन ऐसे कौन से ऐसे व्यक्ति हैं और किस तरह ये लोग
इस पर्टिकुलर ये जो मेरे मोह माया से बाहर निकल पाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। नीचे करो विनय प्रभु तात्पर्य। आप पढ़ोगे? मैं पढ़ता हूँ। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमश भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जितने जीतने में अपना जीवन लगाया है, फिर वे क्रमश भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यह विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावना अमृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि पहला महान भक्तों की लक्षण, संगति। पहला 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 तरीका इस द्वंद से बाहर निकलने का, हमारे को भगवान के शुद्ध भक्तों का संग लेना बहुत जरूरी है। शुद्ध भक्तों की संगति बहुत जरूरी है। संग शक्ति कलयुग है, कलयुग में संग का बहुत शक्ति है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे आसपास हमारे कौन लोग हैं जिनका हमारे पे प्रभाव पड़ता है। जब आप किसी कथा को सुनने जाते हो, और जब आप किसी जैसे मंदिर में आप आए और वहां पे भक्त लोग सेवा कर रहे हैं, तो उनका जो उत्साह है, उनका जो उत्साह है, जब वो आपसे आपसे घिसने के कारण, आपसे उनके उनके आसपास रहने के कारण जो उनका रंग हम पे चढ़ता है, वो हमारे को भक्ति में बहुत आगे बढ़ाता है। और जितना सामने वाला भक्त शुद्ध होगा और जिस और उसका हम संग करेंगे, उतनी ही हमारी प्रगति जल्दी होती है। आगे ये देख रहे हो, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। ये एक ऐसी चीज है जिसमें कृष्ण ने ये फ्रीडम अपने भक्तों को दे रखी है कि तुम जाके लोगों का उद्धार कर सको। ये फ्रीडम भगवान ने अपने भक्तों को दे रखी है, भगवान ने अपने महान भक्तों को दे रखी है कि उनके संग में आके हम अपने मोह से उभर सकते हैं। बहुत जरूरी शब्द है। आगे पढ़ो। श्रीमद् भागवतम में 5:5:2 कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। मत सेवा द्वार अभिमुक्ति सेवा मुक्ति। द्वार मुक्ति। किंतु जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है, वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। तमो द्वार योषिता, सॉरी प्रभु, आई कांट रीड। तमो द्वारा योषिता संगी संगम। भगवान के सारे भक्त विश्व पर भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सकें। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णता प्रवृत्त हो पाना कठिन है। हम बोल रहे हैं कि भक्तों का संग नहीं करना, सिर्फ भक्तों की सेवा करना बहुत अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि उससे हमारे हृदय के जो कल्मश हैं वो दूर होते हैं। भागवत में एक दूसरे जगह श्लोक आता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। जितने हमारे हृदय में अभद्र हैं, अभद्र का मतलब क्या हुआ, जितना भी कचरा हमारे हृदय में भरा हुआ है, काम का, क्रोध का, लोभ मोह का, मद मत्सर्य का, जितना भी कचरा हमारे हृदय में भरा हुआ है, तो एक दूसरे की निंदा करने का मौका ढूंढते हैं सिर्फ कि एक दूसरे की बुराई कैसे कर सकें। और किसी ने अगर हमारे साथ गलत किया है तो हम चूकते नहीं हैं उसके लिए, अपने मन में बुरे विचार लाए बिना, और भगवान से प्रे भी करते हैं कि मर जाए वो, तो डिजर्व ही करता है, उसके घर में सब बर्बाद ही हो जाए, वो तो है इतना घटिया। क्यों है वो घटिया? क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है। और देखो, हम जब हमें कोई व्यक्ति पसंद नहीं होता तो हम चिंता भी नहीं करते, और हम क्या दुआ मांगते हैं उसके लिए कि उसको कष्ट आने दो, उसको तो दुख आने ही दो जी, क्यों सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं है। बट
अगर हम भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में आते हैं तो जितना ये कचरा हमारे हृदय में भर रखा है, जितना भी हमारा बुरी आदतें हैं, ये साफ होने लगती हैं। क्यों साफ होने लगती हैं? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जब हमारे को अपने उदाहरण से ये दिखाता है कि ये घटिया जीवन जो हम जी रहे हैं, इसको बदलना बहुत ही जरूरी है अगर सुख की प्राप्ति करनी है तो, अगर भगवान से अपना पुनः रिश्ता स्थापित करना है तो ये बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, तो हमारे को उत्साह, हमारा उत्साह बढ़ता है। वो आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। प्रभु का शायद लाइट का इशू है। आवाज आ रही है मेरी? वो आवाज आ रही है। आवाज है। का सेशन तो पूरा पानी हो गया यार, कितना डिस्ट्रैक्शन आ रहा। मैं आपको ऑडियो पे उस पे कॉल कर लूं क्या फोन पे? नहीं, एक्चुअली हो क्या रहा है कि मैं फोन और के इंटरनेट और मंदिर के इंटरनेट में बार बार स्विच कर रहा हूँ, क्योंकि मंदिर का जब बंद हो जाता है तो मैं फोन पे आ जाता हूँ। अच्छा। तो अभी मैं फोन के इंटरनेट पे था, मेरा इंटरनेट खत्म हो गया, तो दैट्स व्हाई प्रॉब्लम। अभी मैं जी, वापस अभी मैं फोन के वापस फोन पे आ गया। इंटरनेट पे आ गया हूँ। ओके 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 विनीत ओके विनीत प्रभु, इस वेबेक्स को यस। डायलिन से ज्वाइन कर सकते हैं क्या? हाँ प्रभु, ज्वाइन हाँ कर प्रभु, सकते ज्वाइन हैं। कर सकते हैं। तो प्रभु जी को जो है नंबर से डायलिन करवा दो, कोई बात नहीं।
ठीक है, अभी तो एनीवेज हम खत्म करने वाले हैं। मैं अगली क्लास में इसका पूरे सेक्शन का 10 मिनट में सारा समरी दोबारा दूंगा, क्योंकि ये काफी ब्रेक आ गया इसके अंदर। ठीक है प्रभु, ठीक है ना? मैं वैसे ब्रेक आ जाता ना, मैं ही भूल जाता, मैं बोल क्या रहा था। हम भक्तों के संगत की बात कर रहे थे, जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब तक हमारे ये भक्तों की संगत रहती है, तब तक इतना कंफर्म्ड है, इतना श्योर है कि भक्तों के संग में रहने से हमारे को भक्त लोग गलत राह पे जाने नहीं देंगे और गलत सिद्धांतों पे भी चलने नहीं देंगे। कई बार आपने देखा होगा आर्मी ऑफिसर्स जब एक बहुत ही टफ टेरेन में, बहुत ही कष्टदायी जगह पे, जैसे बर्फीले पहाड़ों पे चल रहे होते हैं, तो वो अपना अपने पैर एक दूसरे सिपाही के साथ बांध के चलते हैं। क्यों बांध के चलते हैं? पहली बात तो उनको अकेला जाना ऐसी जगह पे अलाउड ही नहीं होता कि अगर कोई एक व्यक्ति फंस गया तो उसकी मदद करने दूसरा व्यक्ति होना चाहिए। तो वो अपना पांव बांध के चलते हैं कि अगर कोई जगह पे बर्फ सॉफ्ट हुई और वो अंदर धस गया तो दूसरा व्यक्ति उसको बचा सकेगा। कहीं आर्मी ऑफिसर्स, कहीं जो बहुत रिस्की एरियाज होते हैं, वहां पे 10-10 ऑफिसर अपने पांव बांध के चलते हैं। तो भक्तों के समाज में भी हमारे को यही प्रोटेक्शन में रहना बड़ा जरूरी रहता है कि हम अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें कि कोई एक अगर गिरे तो दूसरा व्यक्ति उसको पहले ही पकड़ा हो, ताकि वो गिरे हुए भक्त, जो भक्त गिर रहा है और गलत रास्ते पे जा रहा है, उसको बचाया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कृष्ण भगवद गीता में बहुत क्लियर शब्दों में बोले हैं, संजायते कामा, हमारे संग के प्रभाव से ही हमारी इच्छाएं बनती हैं, हमारे संग के प्रभाव से ही हमारी इच्छाएं बनती हैं, और संग चुनना हमारी जिम्मेदारी है, उसके बाद हमारी प्रगति होना संघ की जिम्मेदारी है। हमारा कैसा एसोसिएशन है उसको चूज करना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती है, और उसके बाद में एसोसिएशन जो है भक्तों का, वो हमारे को कैसे एडवांस करता है, कैसे हमारी आध्यात्मिक प्रगति करता है, वो एसोसिएशन की जिम्मेदारी हो जाती है। मजाक के तौर पर कई बार उदाहरण देते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि अगर किसी को बहुत बिजी समय में ट्रेन में घुसना है और ट्रेन पूरी पैक्ड है, तो हमारी समझदारी कहाँ है कि हम सिर्फ सही जगह पर जाके खड़े हो जाएं, ताकि भीड़ हमारे को अपने आप अंदर ले जाए, और जब हमारा स्टॉप आने लगे तो सही जगह पे खड़े हो जाएं ट्रेन के अंदर, ताकि भीड़ ही हमारे को बाहर लेके आ जाए। तो यही सेम करना है हमारे को अपने जीवन में, हमारे को अच्छे भगवान के भक्तों के संग में रहना है, और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम ले सकें तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति को कोई रोक नहीं पाएगा, और कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से उसको प्रॉमिस कर रहे हैं। हाँ, और प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में पूरा तरह से समझा रहे हैं। अब मैं आज के लिए मैं यही खत्म करूंगा। मैं अगली बार ये 3-4 श्लोकों का समरी देके इस चैप्टर को खत्म करके फिर पूरे चैप्टर की समरी आपको सामने दूंगा, ताकि ये 7 नंबर चैप्टर पूरा आपके सामने, आंखों के आगे थोड़ा सामने आ जाए। तो आप किसी का कोई प्रश्न है? आज वैसे बहुत रोक रुकावट हुई है मेरी तरफ से, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं था इंटरनेट वगैरह। नहीं नहीं प्रभु जी, प्रभु जी मेरा मेरा एक प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि भगवान, आप बोल रहे थे कि ही नोस, उनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पता है, तो उनको ये भी पता होता है कि हमारी जो फ्री विल से हम जो डिसीजन लेने वाले हैं, तो उनको उसके बारे में भी पता होता है क्या? Exactly. अगर भगवान को फ्यूचर पता तो उनको ये भी पता है कि कल सुबह उठ के हम, हमारा क्या मन के विचार होंगे, और हम भगवान के पास जाएंगे, भगवान से दूर जाएंगे, हम क्या गलतियां करेंगे, हम सब पता है उनको। नहीं तो भगवान की डेफिनेशन ही क्या है ना, अगर उनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं पता। अपना पूरा जीवन खराब कर रहा है, तो भगवान उसको फिर
रोकते क्यों नहीं है अंदर से, उसको फिर हैरान हो जाओगे आप अपने जीवन में भी देखना, आप हैरान हो जाओगे कोई भी व्यक्ति जब गलती करने लगता है ऐसा कभी नहीं होता कि उसको साइन ना मिले कि ये गलती है। आप अपने लाइफ में भी देखना कि आप कई बार बाहर से साइन नहीं आता तो अंदर से गिल्ट जो है ना वही व्यक्ति को बताता है कि यार ये सही नहीं कर रहा मैं, ये सही नहीं कर रहा मैं, बट हम उसको नजरअंदाज करते हैं और फिर भी गलती करने आगे जाते हैं। इसी कारण मैं बोल रहा था कि भगवान कभी भी हमारे को फोर्स नहीं करते कोई भी प्रकार का एक्शन लेने से, क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्रता उन्होंने हर जीव आत्मा को दे रखी है और उन्होंने ये कर्म का जो चक्र बनाया है पूरा, ये कर्म चक्र है ही, ये वो ऐसे लॉज हैं कि वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कि तुम ये गलती करोगे उसका ये रिजल्ट आएगा और उसको ऐसे ऐसे तुम्हारे को रिजल्ट दुख सुख कैसे कैसे भोगना पड़ेगा। ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सारे के सारे भगवान सारे मैच सारे कॉम्बिनेशन जितने भी हो सकते हैं सब कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए उनको पता है कि ये हरकत हम कर रहे हैं इसका तो ये रिजल्ट तुम्हें इस समय पे मिलना ही है। बट भगवान की एक क्वालिटी जो उनकी ममता है, जो उनका अपने भक्तों के प्रति जो प्रेम भाव है, जो उनके अपने भगवान का जो वात्सल्य है, भगवान को भक्त वात्सल बोला जाता है ना, वात्सल्य वात्सल्य शब्द कहाँ से आता है? वत्स से, वत्स मतलब बच्चा, गाय के बछड़े को वत्स बोला जाता है, माता पिता अपने बच्चे को वत्स बोलते हैं। तो ये वात्सल्य जो है जो जो भगवान के हृदय में बहुत ज्यादा अपने भक्तों के प्रति, वो वात्सल्य के कारण भगवान अपनी शिक्षाओं को देते हैं, खुद आते हैं लीला करने, खुद अलग अलग युग में आते हैं हमारे को अपनी तरफ आकर्षित करने और समय समय पर अपने भक्त भेजते हैं। हम मेलबर्न से बैठ के सारी बातें कर रहे हैं, ये भगवान का अरेंजमेंट नहीं है तो क्या है, मतलब जूम पे ऑफिस की मीटिंग होती है, ये लॉकडाउन में भी क्या हो रहा है, वेबएक्स पे ऑफिस की मीटिंग होती है, लॉकडाउन में हो क्या रहा है, यहाँ पे हफ्ते में दो बारी आप लोग आके सुन रहे हो, ये भगवान का अरेंजमेंट नहीं है तो क्या है। तो जब भगवान ऐसा करते हैं तो वो हमारे 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 की मदद ही तो करने का प्रयास कर रहे हैं ना, बट सुनना ना सुनना, मानना या ना मानना, उसमें भगवान कभी इंटरफेयर नहीं करते और उनको पता है कि हम मानेंगे या नहीं, हम सुनेंगे या नहीं। इंटरेस्टिंग है ना कितना, उनको पता है बट वो कभी इंटरफेयर नहीं करते। इसलिए भगवद्गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं, उपदृष्ट अनुमंतश्च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, मैं उपदृष्ट हूं, मैं विटनेस कर रहा हूं, सिर्फ विटनेस कर रहा हूं। उपदृष्ट अनुमंत, मैं विटनेस करता हूं, तुम डिजायर करते हो और जैसा तुम डिजायर करते हो और जितना तुम डिजर्व करते हो उस हिसाब से मैं तुम्हारे को सैंक्शन भी करके दे देता हूं। भर्ता भोक्ता महेश्वरा, मैं सबका कंट्रोलर हूं बट मैं सिर्फ विटनेस का काम करता हूं, ऊपर से सिर्फ मैं देख रहा हूं, समझे ना। इसीलिए भगवान बहुत क्लियर शब्दों में पता क्या बोलते हैं, जिस दिन कोई लिविंग एंटिटी ये डिजायर करे कि उसको अपनी इच्छा को यूज करके मेरे पास आना है, उस दिन मैं उसके जीवन में सब कुछ बदलने लग जाता हूं, उस दिन मैं उसके जीवन में सब कुछ बदलने लग जाता हूं। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्व इच्छा से मेरे पास आना चाहता है। तो हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं ना, वो व्यक्ति अनंत है। भगवान के अनलिमिटेड होने के कारण हम उस अनलिमिटेड भगवान को अपनी लिमिटेड बुद्धि से ज्यादा कैलकुलेट करके नहीं समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली होता कैसे। भैया उनको फ्यूचर पता है और उनको नहीं पता है, और उनको अगर पता है तो उनको ये भी पता है कि मैं कब भगवान के पास आऊंगा, और फिर भी वो वेट कर रहे हैं, तो हाउ इट वर्क्स। तो कई बारी इसको बोलते हैं चंद्र शाखा न्याय। कई बारी माता अपने बच्चे को जब चंद्रमा दिखाना चाहती है तो वो माँ अपने बच्चे को चंद्रमा कैसे दिखाती है, वो बोलती है ये देख, ये शाखा है, ये पेड़ की शाखा है, इस शाखा के ऊपर में चंद्रमा है, चंद्रमा शाखा के ऊपर थोड़ी ना है, चंद्रमा तो बहुत दूर है, बट माँ उस शाखा का इस्तेमाल करती है वो बच्चे को चंद्रमा दिखाने के लिए। तो कई बार शास्त्र हमारे को भगवान के हृदय का क्या भाव है वो समझाने के लिए, जो इतना गहरा है कि हमें समझ भी नहीं सकता वैसे, सिर्फ हमारे को उस शाखा का इस्तेमाल करती है कि ये शाखा के ऊपर देखो भगवान का ये हृदय ऐसा है। अभी कैसे समझे,
जिस व्यक्ति का हृदय लाखों करोड़ों माओं के जितना वात्सल्य प्रेम अपने बच्चों के लिए रखता हो, उस हृदय को आप समझोगे कैसे कि भगवान कैसे अपने भक्तों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उनका क्या मनोभाव है किसी हर जीवात्मा के लिए जो उनके पास आना चाहता है, उसकी मदद करने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, आप कैसे समझोगे? बहुत मुश्किल है समझना। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है प्रभु। और दूसरा एक मेरा सब भक्तों से निवेदन था कि मेरी मासी पास जब यस्टरडे बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, तो अगर वो सारे सारे लोग उनके लिए प्रे कर सकते हैं तो। और हरे कृष्णा, दिल्ली में? नहीं, वो ऊटी में रहते हैं प्रभु। अच्छा, तो सडनली शी पास्ड अवे। हाँ हाँ। और प्रभु इसी विषय में अगर हम 5 मिनट आप बता सकते हैं कि अगर मरने के बाद किसी इंसान की क्या गति होती है और हमें क्या करना चाहिए उनके जाने के बाद। देखो, किसी भी व्यक्ति की गति डिपेंड करती है उसकी मति पे, गति और मति कनेक्टेड है। क्या उस व्यक्ति की चेतना है, वो ही उसकी चेतना और जो उसने जीवन भर एक्शंस करे हैं, वो उसकी चेतना और उसके जो जीवन भर के एक्शन है उसका कॉम्बिनेशन के हिसाब से उसको अगला जीवन शरीर मिल जाता है व्यक्ति को। और इसमें ये भगवान का सेट लॉ है, ये भगवान का फिक्स्ड नियम है, और इस नियम में भगवान छेड़छाड़ नहीं करते। सिर्फ उस व्यक्ति के लिए छेड़छाड़ करते हैं भगवान जिसने जिसने भगवान का शरण लेने का प्रयास करा हो और जो भगवान की शरण में जाने की भगवान की शरण ले चुका हो। क्यों उसके लिए छेड़छाड़ करते हैं भगवान? क्योंकि वो व्यक्ति अब अपने जीवन का इस्तेमाल अपने हाईएस्ट बेनिफिट को करने के लिए रेडी हो गया। तो सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए भगवान अपने ही सेट लॉ जो बनाया वो प्रकृति का नियम है उसमें चेंजेस लाते हैं। अदरवाइज फॉर एनी नॉर्मल पर्सन भगवान का जो जो सेट नियम है, जैसी तुम्हारी मति है और जो तुमने डिजायर करी है, जो तुम्हारे एक्टिविटीज थी पूरे जीवन भर, उसके हिसाब से तुम्हारे को अगला शरीर मिल जाता है। तो अभी कुछ लोग होते हैं कि बहुत पुण्य काम करे होते हैं उन्होंने जीवन भर, उन्होंने जब बहुत पुण्य के कार्य करे हैं तो उनको ऊंचे ऊंचे गति मिलती है, उनको हायर प्लैनेट्स में मिलता है, उन्होंने उनको हायर प्लैनेट्स में एंजॉय करने का चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है। और जिन्होंने बहुत पाप कर्म किए होते हैं उनको निचली योनियां मिलती हैं, उनको नरकों में से गुजरना पड़ता है और उनको दुख भोगने पड़ते हैं। अब सबने अच्छे भी किए होते हैं, सबने बुरे भी किए होते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि भैया 10 अच्छे करे हैं 4 बुरे करे हैं तो कट कट आके हमें 6 अच्छे दे देना, ऐसा नहीं होता। आपने 10 अच्छे करे तो आपको 10 अच्छे भी भोगने पड़ते हैं, आपने 4 बुरे करे तो आपको 4 बुरे भी भोगने पड़ते हैं। प्रकृति के नियम ऐसे हैं कि जैसा आपने करा उसका एग्जैक्टली आपको रिएक्शन वापस मिल जाएगा। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अभी आपकी मासी का जैसा जीवन रहा होगा, अब जैसी भी आपकी मासी का जीवन रहा होगा उस हिसाब से उनको प्रकृति के नियमों द्वारा एक सेट डेस्टिनेशन मिल जाएगा। बट फर्क क्या रह गया, आपकी मासी, मैं तो उनको जानता नहीं उनका लाइफस्टाइल क्या है, बट आपकी मासी का एक प्लस पॉइंट जो मुझे जो उनको नहीं भी जानता जो मुझे पता है, ये है कि उनकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्सक्लूसिवली जैसे आप और आपका फैमिली जो एक्सक्लूसिवली अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे बहुत फोकस्ड है, तो ये बेनिफिट तो उनको मिलना ही मिलना है। नहीं तो सोचो, अभी आप अगर वो आपकी मासी ना होती तो आप उनके लिए प्रे करने को बोलते नहीं भक्तों को, भक्तों की प्रे करने में वो शक्ति है। तो ये बेनिफिट आपकी मासी को आपसे डेफिनेटली मिलेगा नेचुरली। तो हमारी डेस्टिनेशन इस तरह डिसाइड की जाती है। ये चैट पे किसी ने क्वेश्चन भेजा है, आपने जैसा कहा कि भक्तों के संग में रहना हमारी खुद खुद इच्छा होनी चाहिए, फिर जब भक्तों का संघ है वो जिम्मेदारी लेता है हमारी प्रगति की। बट आई फेल्ट देयर इज मोर फोकस ऑन अट्रैक्टिंग न्यू पीपल व्हेन यू गेट ओल्ड यू डोंट गेट मच केयर, सॉरी समटाइम्स। ओके, तो ये भक्त क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भक्तों के संघ में रहने से हमारी प्रगति होती है, और कह रहे हैं कि कई बार ऐसा हो जाता है भक्तों के संघ में कि हम जो जो नए लोग हैं उन पे ज्यादा ध्यान देते हैं और जो पुराने भक्त हैं उन पे ध्यान नहीं देते। तो ऐसा लगना नेचुरल है,
बट इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हम मेटीरियल वर्ल्ड में फंसे ही इसलिए हैं क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी दूसरी ओर डालते हैं। अगर आप एक चीज ध्यान से देखो, हमारे भी माता पिता रहे हैं, हम भी बचपन से अपना देखे हैं। जब बच्चा बहुत छोटा होता है और सपोज किसी के घर में 4-5 साल का एक बच्चा है, तो माता पिता का सारा सारा का सारा अटैचमेंट, सारा का सारा अट्रैक्शन उस 4-5 साल के बच्चे पे जाता है। और जब माता पिता डिसाइड करते हैं कि ठीक है अभी एक और बच्चा करेंगे हम, और जब वो दूसरा छोटा बच्चा आने लगता है, अगर माता पिता ध्यान से इस जो 4-5 साल का बड़ा बच्चा है उसको ना सिखाना शुरू करें कि तेरे घर में एक बच्चा आने वाला है, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, क्यों? क्योंकि वो जो बड़ा बच्चा है उसकी अटैचमेंट अभी 2 में डिवाइड होने वाली है। तो अगर माता पिता उस बच्चे को ना सिखाएं, तो आप सच्ची में मानोगे नहीं, कई केसेस में बड़े भाई बहन ने अपने छोटे बच्चों छोटे भाई बहन को मारने की भी कोशिश करी है। क्यों? क्योंकि जो सारा प्यार उस बड़े बच्चे को मिलता था, अभी वो आधा बट के छोटे को मिल रहा है, कई बार ज्यादा मिलता है छोटे को, और बड़े को नेग्लेक्ट फील होता है। माँ बाप जब बच्चे को ये बताते हैं कि अभी तेरा छोटा बच्चा आ रहा है, उसकी डिमांड, उसकी नीड, उसकी डिपेंडेंसी हमारे पे ज्यादा है और तेरी कम है, तो जब उस बच्चे को ग्रेजुअली ग्रेजुअली समझने लगता है, तो वो व्यक्ति नेचुरली खुद ये उम्मीद नहीं करता हर समय कि मेरे पास माता पिता मेरे को देखे, हमारे माता पिता मेरे को देखे। वो क्या उम्मीद करता है, वो बच्चे से क्या उम्मीद की जाती है, कि वो भी अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखे। तो भक्तों के समाज में भी ऐसा होता है कि जब कोई नया आता है तो वो छोटे नवजात शिशु की तरह है, जिसको जो जिसकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, जिसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है भगवान की तरफ आने का, ये बहुत डिपेंडेंट है वो स्पिरिचुअली। और कई बार भक्त तो 4-5 साल 10 साल से आ रहे हैं, अगर वो भी वही डिपेंडेंसी की डिमांड करें तो ये तो अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जिसकी जैसी डिमांड है उसको वैसा ही तुम्हारे को ध्यान रखना पड़ेगा। रादर हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए कि जब हम बड़े हो गए, जब हम कुछ समय से मंदिर आ रहे हैं, भक्तों के संग में हैं, तो हम जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते कि हम किसी ना किसी तरह भक्तों के एसोसिएशन में रहें, हम किसी ना किसी तरह भक्तों के एसोसिएशन में रहें और उस एसोसिएशन को बहुत क्लोजली केयरफुली पकड़ के रखें। अदरवाइज कब तक एक इन्फेंट नवजात शिशु बच्चा बन के रहेंगे, ये एक तरफ है। दूसरी तरफ क्या है कि जो 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 बड़े भक्त हैं, जो एक्सपीरियंस भक्त हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि जो थोड़े समय से भक्त मंदिर आ रहे हैं, जो पुराने भी हो गए, उनकी भी इमोशनल साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल नीड्स होती हैं, और उसका भी ध्यान साइमल्टेनियसली रखना चाहिए। तो ये दो तरफा है, तो हमारे को हमारी जिम्मेदारी नहीं छोड़नी चाहिए और जो बड़े भक्त हैं उनको उनकी जिम्मेदारी नहीं छोड़नी चाहिए। होप आपको इसका आंसर समझ मिला होगा। ठीक है, और कोई प्रश्न? आखिरी प्रश्न ले सकते हैं, क्योंकि मेरे को अभी 5-7 मिनट में बंद करके दोबारा एक और सेशन शुरू करना, जहां मेरे को वेस्टर्न सबब में कुछ तो क्लास देना है अभी। प्रभु, मेरा क्विकली एक आंसर थी कि अभी हमें क्या करना चाहिए स्थिति में, हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, उनके लिए माला करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? आपको उनके लिए इस समय आप जो भी कर सकते हैं आपको करना चाहिए, स्पेशली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप भगवत गीता पढ़ें। और अगर आप कर सकते हैं तो एक चीज कर सकते हो कि उनके नाम पे भगवान को कुछ भोग प्रसाद बना के भोग खिलाएं, और भगवद गीता का आप ये 7th, 8th, 9th चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन रीड, और स्पेशली ये सारा तो जरूरी है ही है, बट अगर आप 1 से 2 माला बहुत फोकस तरीके से बैठ के सिर्फ अपनी मासी के लिए करें कि उसका रिजल्ट आपकी मासी को मिले, वो भी बहुत हेल्दी रहेगा उनके 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 स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए। थैंक यू प्रभु। अगर एक जीवन श्वेता बोल रही हूँ, जब शुद्ध भक्त, मैं श्वेता बोल रही हूँ प्रभु। हाँ जी, हाँ जी। जब हम शुद्ध भक्तों की संगति में आ जाते हैं, लेकिन हम वो नहीं कर पाते जो वो चाहते हैं
हमसे करना, तो क्या ये ऑफेंस होता है हमारे तरफ से? नहीं, ऑफेंस देखो सिंपल तरीका है, एक होता है कि आपको भगवान के भक्तों ने कुछ बोला करने को और आपने बोला मैं नहीं करने वाला जी, तो ये इसको बोलते हैं, इसको जैसे नाम अपराध होता है ना, तीसरा नाम अपराध है गुरु अवज्ञा। आपके गुरु ने आपको कुछ आज्ञा दी और आपने बोला जी मैं नहीं कर सकता, सॉरी मुझे नहीं करना, ये एटीट्यूड आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को स्लो करने के लिए इनफ है। बट अगर आपका एटीट्यूड है कि ठीक है आपने बोला है हम ट्राई करते हैं सिंसियरिटी से अपनी, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है आपको बता देंगे, बट हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, और फिर आप नहीं कर पाते, आपको 100 में से 100 मार्क्स मिल गए। भगवान का प्रोसेस, भगवान के भक्तों का जो स्वभाव है वो ऐसा नहीं है कि वो मौका ही ढूंढ रहे हैं किसी तरह तुम गलती करो ढंडा मारे। भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान को रिजल्ट से मतलब नहीं है, भगवान को रिजल्ट से जीरो इंटरेस्ट है, भगवान को हमारी इंटेंशन और हमारे एक्शन से इंटरेस्ट, हमारे किस प्रकार हम एक्ट कर रहे हैं उससे इंटरेस्ट है। जैसे सपोज कोई नए मंदिर का निर्माण हो रहा है और नए मंदिर का निर्माण में एक भक्त जाता है और वो 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करके लाता है, और एक भक्त जाता है वो 2000 रुपए इकट्ठे करके लाता है। अब जो 2 करोड़ रुपए इकट्ठे करके लाया उसने उतनी सिंसियरिटी नहीं दिखाई जितनी 2000 वाले ने दिखाई, तो भगवान को इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है 2 करोड़ रुपए लेके आया मेरे लिए। वो जितनी उसने सिंसियरिटी दिखाई, जितनी उसकी भगवान के प्रति भक्ति थी उस पैसे लाने में, भगवान को उसी में इंटरेस्ट है सिर्फ। और जो व्यक्ति 2000 भी चाहे लेके आया, अगर उसने पूरी श्रद्धा से वो सेवा करी है तो भगवान के लिए वो इनफ है। और ये उदाहरण हम कहां देखते हैं, जब राम सेतु बना रहे थे, जब राम भगवान के लिए सारे के सारे वानर लंका जाने के लिए जो पूरा जो ब्रिज बना रहे थे, उसमें हनुमान जी तो बहुत विशाल है, तो हनुमान जी बड़े बड़े पहाड़ उठा उठा के पानी में फेंक रहे थे, और वहां पे एक गिलहरी थी जो अपने शरीर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठा के पानी में डाल रही थी, तो हनुमान जी गिलहरी को बोले अरे बीच में से हट, तेरे को पता नहीं मैं कितने बड़े काम में लगाऊ, बड़े बड़े पहाड़ उठा रहा हूं। तो राम भगवान उनको डांटे कि तू अपनी क्षमता से काम कर रहे हो और ये गिलहरी अपनी क्षमता से काम कर रही है, मुझे ये इंटरेस्ट नहीं है कि वो कितना वजन उठा के ला रही है, मेरा इंटरेस्ट ये है कि वो मेरी मेरी सेवा में कुछ कर भी रही है कि नहीं कर रही। तो भगवान का इंटरेस्ट यही है और भगवान के शुद्ध भक्तों का भी यही इंटरेस्ट है, और अगर हम उस इंटरेस्ट के बेसिस पे काम कर रहे हैं तो रिजल्ट आए चाहे रिजल्ट ना आए, भगवान का और भगवान के भक्तों का उसमें इंटरेस्ट कम रहना चाहिए। भगवान का तो खैर रहता ही नहीं है, भगवान के शुद्ध भक्त को इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता, बट हमारी स्पिरिचुअल प्रगति उसी पे डिपेंड करती है कि हमने कोशिश की कि नहीं की। ठीक है माता जी, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, करंतराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु।